गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज है 5 जून 2019 और 5 जून के जितने भी करंट अफेयर हैं हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 5 जून। दुनिया में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण व ग्लोबल वार्मिंग की चिंताओं के चलते यह दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले मनाया गया था 1974 में और यह मनाया कहाँ गया था? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। और तब से लेकर अब तक ये लगातार 5 जून को पूरे विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि इसकी थीम क्या है? इस बार 5 जून 2019 विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? थीम है वायु प्रदूषण, बीट एयर पोल्यूशन। ये हमें याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो ऑप्शन में दिया है 1 जून, 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे, और 2 जून को जो मैंने कल ही बताया था तेलंगाना दिवस। तेलंगाना दिवस क्यों मनाया जाता है? ये भारत का 29वां राज्य है, जो 29वां राज्य है 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर ये भारत का 29वां राज्य बना था। तब से ये अपना तेलंगाना दिवस 2 जून को मना रहा है। 4 जून, ये है बाल यातायात व अवैध तस्करी के खिलाफ दिवस, तो ये भी हमें याद रखनी है। प्रत्येक प्रश्न से संबंधित जितनी आप जानकारी आपको मिल जाए उसको आप अटैच कर पढ़ा करें। एक प्रश्न नहीं बता रहे हम आपको, और कम से कम हर प्रश्न में 4-5% एक्स्ट्रा बता रहे हैं ताकि आपको हमारे 10% के साथ 50-60% रोजाना याद रह सके। आप भी टारगेट बना लें, जो भी टॉपिक पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अटैच कर स्टडी किया करें ताकि प्रश्न में इंटरेस्ट हो और आप उसे भूलें नहीं। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है श्री अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा 3 बार CM रह चुके हैं और इन्हें इसका इनाम भी मिला है केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री के रूप में। इन्हें मोदी मंत्रिमंडल में ले लिया गया है। ऑप्शन में दे रखा है कैलाश चौधरी, ये राजस्थान के हैं। इन्हें मिला है कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय, ये राज्य मंत्री है। हमें याद रखना है कौन केंद्रीय मंत्री है और कौन केंद्रीय राज्य मंत्री है। देवोश्री चौधरी, ये पश्चिम बंगाल से हैं, बीजेपी की जनरल सेक्रेटरी, ये याद रखना है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सरकार ने किस राज्य के अधिकारों पर OIC सम्मेलन को खारिज किया है? सही जवाब है जम्मू कश्मीर। ये OIC की फुल फॉर्म क्या है जान लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। और यह मिशन क्या था और क्या खारिज किया गवर्नमेंट ने? जम्मू कश्मीर में विशेष दूत भेजने की बात चल रही थी जिसे केंद्र सरकार ने रिजेक्ट कर दिया है। अब बात आती है जम्मू कश्मीर की, तो जान लेते हैं जम्मू कश्मीर की कैपिटल क्या है? श्रीनगर। लेकिन याद ये रखना है जम्मू कश्मीर की कैपिटल अगर समर है तो श्रीनगर है और विंटर यानी सर्दी है तो जम्मू हो जाती है। और प्रेजेंट टाइम में CM कौन है यहाँ के? कोई भी नहीं है। और प्रश्न यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि जम्मू कश्मीर के CM का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सही जवाब है 6 वर्ष। पूरे भारत में एकमात्र यह ऐसा राज्य है जहाँ का कार्यकाल 6 वर्ष है। विधानसभा 6 साल की है और यहाँ CM का कार्यकाल भी 6 वर्ष हो जाता है, तो यह प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसे याद रखें। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग को WHO से सम्मान मिला है? सही जवाब है राजस्थान। राजस्थान को हाल ही में WHO से सम्मान मिला है। क्यों मिला है? तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उत्कर्ष कार्य करने के लिए। अब बात तंबाकू की आती है तो हाल ही में ई सिगरेट पर बैन करने वाला राज्य कौन बना है? सही जवाब है राजस्थान। ई सिगरेट पर बैन इन्होंने हाल ही में किया है। ई सिगरेट है क्या? दरअसल यह एक धूम्रपान ही है जिसे बैन कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब WHO फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948, हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है, हाल ही में डिजिटल होम सर्विसेज प्लेटफॉर्म अर्बन क्लैप ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सही जवाब है कृति सेनन। कुछ पर्सन हमें देखने में बोरिंग लगते हैं लेकिन हर पर्सन के पीछे कोई ना कोई इंटरेस्टिंग बात छुपी होती है, हमें वही खोजनी है। और पर्सन को एक बार में याद करने के लिए हर पर्सन में इंटरेस्ट क्रिएट करना है, ये स्टडी की शॉर्ट ट्रिक है ताकि पर्सन लॉन्ग टाइम तक याद रहे। अब ऑप्शन में सलमान खान दे रखा है जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था कई ब्रांड एम्बेसडर नए बने हैं, वो देखते हैं। सलमान खान, इन्हें बनाया गया भारत पे का ब्रांड एम्बेसडर।
अक्षय कुमार, ये बनिए टेफे ट्रैक्टर कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर, और विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, इन्हें बनाया गया मंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर, और विराट कोहली और ऋषभ पंत, इन्हें बनाया गया हिमालय, जिनके हम फेस वॉश यूज़ करते हैं, हिमालय कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली और ऋषभ पंत। नेक्स्ट है, हाल ही में कुल कितनी महिलाएं पीएम नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हैं? सही जवाब है कुल छः। उन छः में से तीन महिलाएं केंद्रीय मंत्रिमंडल में हैं और तीन केंद्रीय राज्य मंत्री में। जो तीन केंद्रीय मंत्रिमंडल में हैं वो जान लेते हैं, निर्मला सीतारमन, हरसिमरत कौर और स्मृति ईरानी। हमें याद रखना है इनको अलग अलग से। जो तीन केंद्रीय मंत्रिमंडल में हैं, निर्मला सीतारमन, हरसिमरत कौर, स्मृति ईरानी। और जो तीन केंद्रीय राज्य मंत्री हैं वो हैं साध्वी निरंजन ज्योति, रेणुका सिंह सरूता और देवोश्री चौधरी। आप इन्हें नोट कर लें या स्नैपशॉट लेकर भी आप इन्हें याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल राजस्थान का प्रतिनिधि नहीं है? ये हमें याद रखना है। सही जवाब है देवोश्री चौधरी। जो गजेंद्र सिंह हैं ये जोधपुर से हैं, कैबिनेट मंत्री हैं ये, और कैलाश चौधरी और अर्जुन मेघवाल। कैलाश चौधरी हैं बाड़मेर से और अर्जुन मेघवाल हैं बीकानेर से, ये दोनों ही केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। हमारे एक मंत्री गजेंद्र सिंह तो है कैबिनेट में और दो हैं केंद्रीय राज्य मंत्री, और जो देवोश्री चौधरी हैं ये है केंद्रीय राज्य मंत्री लेकिन बंगाल से है, इन तीनों में से अलग है देवोश्री, बाकी तीनों राजस्थान से हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन है? सही जवाब है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय और जो भी विभाग बचे हैं, किसी भी मंत्री को नहीं दिए गए हैं, वो सभी विभाग हमारे नरेंद्र मोदी जी के पास हैं, ये हमें याद रखना है। अमित शाह ये गृह मंत्री हैं, राजनाथ सिंह ये रक्षा मंत्री और नितिन गडकरी परिवहन मंत्री, ये सारे केंद्र के मंत्री हैं, ये हमें याद रखना है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि डेली करंट अफेयर और डेली कोई न्यू रिक्रूटमेंट आती है तो भी आपको इसकी सूचना दी जाएगी। ऑल द बेस्ट एंड इसे शेयर करना न भूलें।